सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। रात दी जिहड़ी है ना बिजली गई हुई है, हाले तक कोई नहीं आई। 12 घंटे तो ज़्यादा टाइम हो चुका है और पानी जो टंकी विच हैगा सी मूँह हाथ धोया बिल्कुल जिहड़ा ना खत्म हो गया, और बदल भी हाले तक बने हुए ने, तुसीं देख सकते हो काफ़ी सारे। रात नूं बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई सी बे इंतहा। हाले तक समझ लो कि क्यारियां दे विच कराइयां आ गईआं ने, क्यारियां दे अंदर जिहड़ा हाले तक पानी खड़ा होया काफ़ी सारा, और पिछले खेतों में ही होना मेरे ख्याल है। तल लगे हुआ है इस साइड, तुम दिखाना मैं खेत हाले तक तो जो खुश्क नज़र आ रहे हैं। बेगम साहबा बिजली ना होने का जो फायदा उठा रही है, कर ही खरीद रही, सफाइया सफुइया हूँ तो चमक रही है, वह सही है ना। और ये शुक्र है कि UPS फुल चार्जिंग है, असं मोबाइल वगैरह बंद नहीं हुए हूँ तक। सारी रात लाइटा वगैरह बलदियाँ रही, सुबह सुबह पंखा वगैरह भी चलाया, मैं क्या चलो हूँ सारा दिन भी नहीं, शायद ना भी बिजली आए, थोड़ी बहुत लाइट की जरूरत पै सकती, इस करके जोड़ा है ना बंद कर दिता है। रात की बिजली गई हुई सी, शुक्र अलहमदुल्ला बिजली जी ना आ गई, क्योंकि रात को काफ़ी तेज तूफान तो बारिश हुई सी, तुसी दोपहर वाले व्लॉग देखा होना बहुत ही हैवी किस्म का, इस करके जोड़ा है ना बिजली चली गई हूँ आई आ। हाँ तो हूँ जोड़ा ना पानी खत्म होया बिल्कुल जोड़ा टंकी के, हूँ जोड़ा ना मोटर वगैरह चलाई आ। अबू ना रहा सब तो पहले, अबू ना लेंदा है तो फिर जो मैं नावगा, और आज दो तीन काम करने, अज मैं नबेड़ा काफ़ी करना क्योंकि अज काफ़ी ठंड बनी हुई है, देख सकते हो बदल वगैरह हाले भी ने काफ़ी सारे, तो मैं सोच रहा ठंड के जिन्हें काम कर लवाना ना बेहतर है। सब तो पहले काम हैगा, बेगम साहबा ने फरमाइश की है कि जी मैं लै जाओ पेकियां, तो अज नहीं कल का उन्हें ना लिया भी सुबह आप चलेंगे, लेकिन मैं सोच रहा अज ठंड बनी हुई है, अज जो ना हो क्योंकि सुबह शायद वाली गल तेज़ धुप निकले तो गर्मी जी ना बहुत ज़्यादा होंगी आ। हाँ तत्ती वाह लगती है तो समझ लो कि जल्द भी बंदे की जेड ना सड़ जाती है, इस करके मैं ना सोच रहा कि अज उधरों ही हो लें, और अम्मी की जेड दवाई लैनी आ। पिछले टाइम तकरीबन 5 बजे का साडा टाइम हैगा साईवाल होस्पिटल के, 5 बजे उन्होंने को जाना है। हाले तो टूर तो गए से ना उधरों कोई ओकी सद्दे ने लैके आंदियां सी कुरबानियां वगैरह, तो सुक्का मेवा वगैरह लैके आते वो जोड़ा है ना बेगम साहब अम्मी अबू ने देख आने, क्योंकि टूर तो पहले तो साढ़े को जो दावत खाना आए थे ना उदो ही साड़ी उन्होंने मुलाकात हुई, इस तो बाद टूर तो जावन तो पहले या टूर तो बाद उन्होंने साड़ी कोई मुलाकात नहीं, बल्कि उन्होंने तो फोन आया कि आके सानू ही कोई मेल मुल जाओ। रात में काफ़ी वड्डा नुकसान होने लग गया से, नज़र आ रही हुई गिली हुई हुई है। हाँ टैला वगैरह इतने LCD टंगी हुई उतरों पानी चो LCD उत्ते डिगया, लेकिन टाइम ना जोड़ा ना चुक ली सी बच गई है। बेगम साहबा हो गई है बिल्कुल तैयार और असी जोड़ा ना चले हाँ, लेकिन एक हूँ टेंशन बन गई तुम जो मैं दसना टेंशन हैगी कि भाई जफर और रहीन और क्या होया कि जो डॉक्टर का जोड़ा ना अम्मी की जी दवाई वगैरह लैनी है, तो डॉक्टर का कहना हैगा सी, तो डॉक्टर ने जोड़ा ना टाइम नहीं दिता अज, वह कह रहा सुबह इतवार है सुबह छुट्टी हूँ, परसों जोड़ा उन्हें टाइम दिता कि परसों आकर दवाई लैनी है। तुम वॉइस जी मैं सुना देना ਨਵਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਸੰਡੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मेरे ख्याल के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई जफर जिमें कहता उमें कर लेने, क्योंकि मैंने इस मामले पता एडा नहीं है, क्योंकि वह कह रहे कि साढ़े काफ़ी क्लोज रिश्तेदार ही है, उन्होंने भी इतों जो दवाई वगैरह की इलाज करवाया कि काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, समझ लो कि भाई जफर और कह रहे थे कि जोड़ा ना साईवाल के टॉप डॉक्टर जोड़े ना 2-3 उन्होंने जोड़ा कहना शामिल आ, लेकिन चलो कोई नहीं 1-2 दिन जोड़ा ना होर वेट कर लें। बैग जी असं इतने पहुँच आए से, बेगम साहबा जी है और सब तो पहले जोड़ा ना बोतल वगैरह पीती से काफ़ी टाइम बैठे हुए हैं, और लैन गई है कपड़े जोड़े हैं ना, असं गए जाना सी ना टूर तो उदों के कपड़े सिलाई कर दिते हुए ने, लेकिन अभी फिर पता कर गई अगर मिल गए तो वह भी जोड़ा ना लै जावे। वहाब साहब इतने ही फिरद है, हाँ की गल है, अच्छा इधर भी आंदियाँ तो तूफान ने जोड़ा ना काफ़ी नुकसान किया, दरख्त है सी काफ़ी नल जो ना डेग पिया वड्डा सारा, हाला उत्ते भी जोड़ा ना उत्थे भी लैके गया नल, उत्थे भी सटिया हुई काफ़ी सारी टीणियाँ वगैरह, और सामने इस जगह जोड़ा है ना टूटा है एक मसा वड्डा सारा है दरख्त गया, सारा घर के मतलब कि कचरा हो गया अंदर, बारिश जी सारी रात लगी रही है काफ़ी टाइम तक, और अब्दुल वहाब के हाथ च आ गई है मिट्टी, ये खावण के चक्कर में है, नहीं ये खावण के चक्कर में है ना, और फड़ा मैनू फड़ा इतने वे सिट इत सिट इत वे सिट दे सिट दे, हाँ इस तरह सियाना बाना कि पई
हाँ होर चक लवेगा हाले मैं तुहानू बाहर चल के दिखाना जेड़ा रोड या पिंड दे की हालात ने जेड़ा ना बारिश नाल बार सारे रोड की जी हालत हुई हुई है टोटल घर के सामने बेगम साहबान पेके फिरा के जी घर वापस आ चुके हैं और हूँ की खाना पीना और दोपहर टाइम ही अज असी जेड़ा ना की उन सदे ने होटल तो रोटी वगैरह मंगा के खाई है तो हूँ कुछ रात में पका ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਾਲਣ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸੂਰਜ ਵੀ ਲੱਥਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗਾਰਡਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ दुबारा मोड़ खुश्क हो गए पहले बिलकुल ए देखो तुसी बिलकुल सारे खुश्क हो गए सुक के दुबारा फिर जेड़ा ना फुटदे पे ने बूटा बिलकुल टूट गया ते बिलकुल जेड़ा ना सबज है उवें खड़ा फुल उवें ही लगदे पैने सारे इन्हां दी मौसम गई हुण बस ए तां एक्स्ट्रा फुट्टे खड़े ने बाकी इन्हां दे मौसम खत्म हो गए बिलकुल और आज भी काफ़ी सारे जो कपड़े धोते पेने कुछ बेगम साहबां दे ने कुछ जो नई सिस्टर उन्होंने कपड़े है भिंडियां देखो किड़ियां किड़ियां लगियां हुई खानी है कल थोड़ा टाइम चलाई सी ते आज जो फिर मैं चला के वेखी तो सही की कर क्योंकि रात में इन्हें तेने पानी पिया काफ़ी सारा वो जो गिड्डी नज़र आ गई तेन पहले दसाया मैं तो लेकिन बच गई चल पई है चल गई है काफ़ी सारे बहन भाइयों के अगले दिन भी कमेंट आ रहे थे कि तुहाडा जिहड़ा ना फर्श वगैरह काफ़ी गंदा हो गया मगर दिखा रहे थे वाकई ही गंदा होया पिया इन्हों असी दो इस करके नहीं रहे क्योंकि वैसे भी ये सारी जगह तुम जी नज़र आ रही है यह तो शायद पीछे खड़ी रहे लेकिन बड़ी शौक न पाई सी लेकिन ये जी जगह डाहनी पैनी है सारी की सारी टोटल मैं अगले दिन समझ लो कि कई हाले उत्थे ही पई हुई है कई लिया के रखी सी तो ईटा वगैरह जो थल पट्टू से क्योंकि बई जहाज जरा ना इटा वगैरह उन्हें लै आदि ने जीडिया काफ़ी सारी होंगे आई प्योंकि वाली जगह जी है ना जिथे मोटरसाइकिल खड़ा है ए मंजी खड़ी गई है ए जी जगह चीज़ ए तो नज़र आ रही है वली हुई है दीवार वगैरह यह सारी बई जहाज की जमीन के आती है और मेरी जी समझ लगे मेरी जमीन खड़ी हैगी उस सैड पर जिस जगह पर बई जहाज का घर हैगा उस सामने यह घर उन्हें पट के इस सैड पर लै आएगा जिथे ए मेरी जगह हैगी तो मैं उधर चलागा जावगा उस सैड पर मेरा जो मंजिया पावन की जगह वगैरह सारा कुछ जितों का घर है वह कमरे वगैरह पट के और नवे पा लवेगा इस जगह पर मैं उत्थे चला जाना हूँ मैं यहाँ टैल वगैरह ए दीवार वगैरह सारा कुछ जरा टोटल पट्टना पैना और दरवाजे जोड़े है ना ये भी असं बंद करा और इस अलावा यह जी पौड़ी हैगी भी सूँ पट्टनी पैनी पौड़ी भी पट देवे और इस जगह तो साडा जिहड़ा ना मेन गेट रखेगा ए UPS वगैरह तो चकी जावे सारा कुछ टोटल मोटर शायद इतने खड़ी रहे बाकी सारा ही पट्टना पैना अमन पुछदी पी है किवें हर शायद सारी त्रोड़ू है त्रोड़नी का ही नहीं है हैं क्यों ये त्रोड़नी पौनी पुत्र जो मर्जी हो जाए क्योंकि अ जगह जी है ना समझ लो कि बाई और सैड पर हैगी फिर पट्टनी पैनी है लाजमी और हो सकता है कि दमी परसों किसी टाइम ही जरा मैं पटाई तो जेड़ा काम शुरू कर देव क्योंकि उन्होंने टाइया पियान हो सकता किसी टाइम ही घमन के असी जेड़ कोठे वगैरह पाऊँ है तो असी फिर जेड़ा अपना पट के तो उस सैड पर लेवेंगे अर्शा बच्चों का जेड़ा है ना यह हाल हों तुसी ये देख लो अगर मैं अयो TV चा के रोड पर ला दें तो बच्चे रोड से बह जावना अगे TV कौन चलता पे उधर दादी दादे जाके बह के वेखते पे हूँ मैं इतने TV लाया इतने आके वेखते पे ने क्यों वहाब हैं TV तू ही वेखता पे देखता पे TV अला ओ चल तो उठी 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 ओ गया मैं चलिया शहर एक तो अज पता कर आने की कहें सीमेंट का
या इट्टा वगैरह का की हिसाब किताब चलती है पिन, क्योंकि साफ जहर है इस साइड पर जो मैं जावगा या दीवार वगैरह पटनियाँ या कोई चीज़ करा या पौड़ी खोड़ा सौ चीज़, फिर सीमेंट की या मिस्त्री की भी जरूरत पैनी आ, इट्टा वगैरह की काफ़ी सारी चीज़ों की जी जरूरत पैनी आ। पहले जरा पुछते दसते मेरे ख्याल सीमेंट तो अगले दिन कह रहे थे 1000 रुपए, पता नहीं 950-950 रुपए जरा रेट होया पे सीमेंट का, काफ़ी दिन पहले पूछा सी तकरीबन 10-15 दिन, पता नहीं होर शायद महंगा हो गया हो, क्योंकि दिन ब दिन जी महंगाई बढ़ती जा रही है। हूँ कन्फर्म कोई नहीं आंधे ही पता करने नाले मिस्त्री का जो पता करने, हो सकता कि मिस्त्री कि अगे पिछले लगा उन्हें फिर टाइम लवेंगे कि सू जी, क्योंकि मेरी दिल है कि बाई की जगह शुरू करने वाली पहले पहले जो है ना मैं वो पौड़ी जी है ना पौड़ी डा के तो उस साइड तो जो अपना दरवाज़ा वगैरह पहले एडवांस ही जो रख लैंना, क्योंकि यह वाली जी तुम दीवार नज़र आ रही ना ये साढ़े घर की समझ लो कि ना अंडर हैगी वाली दीवार जी बनाई हुई है ना, और ये सिर्फ बरांडे तक जाती, बरांडे वाला सिर्फ हिस्सा मेरे लिया, बरांडे अगली साइड पर जी बरांडे की छेड़ खड़ी है ना ये साढ़े लिए कोई नहीं है, ये भी जी समझ लो कि पटनी पानी या नेमी पटनी पैनी है ना। इस बारी कोशिश यही मेरी होनी आ कि जो भी घर शुरू किया ना यह तो पटना ही पटना जो घर नज़र आ रहे हैं तो पार्टी देना, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है थले जो रोड तो, रोड तो काफ़ी नीवा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतों ही चढ़ के थले जाइए ना, ए गार्डन भी उच्चा काफ़ी ज़्यादा उच्चा है तो क्योंकि इधर पानी नहीं आ सकता, इतों ही थले काफ़ी सारा नीवा है, तो जो भी ये घर पटिया ना तो हूँ मेरी दिल है कि इस तरह जिस तरह है ना घर इस तरह नहीं पावे, जिमें मसण कि अजकल दौर से पेंदे पेंड घर डिलैक्स मॉडल जो खोल के फ्रंट वाली साइड तो कोई डिजाइन वगैरह या कोई कोठी नुमा कोई नक्शा नुक्शा लैके जो बनावे, चाहे अज बनाए 5 साल 4 साल पैसे वगैरह जमा करके ना अच्छा जहा घर बनावगा, क्योंकि पहले भी यह समझ लो कि जिन्हें पैसे लाए से ना मैं ये जाया ही होए ने मेरे, क्योंकि उनके हिसाब ना तो ठीक है जिम्मे हूँ रह रहे हैं, लेकिन हूँ मैं मेरी दिल है कि फ्रंट वाली साइड ना अच्छा जहा घर बनाया जाए, ताकि क्योंकि मेहमान भी जेडे ना या तलाकात हाई लेवल के बंद जो रखने तो फिर वो की कहते हैं ना उठन यारी लानी तो दरवाजे उच्चे रखने पैने ने, ठीक है फिर जगह भी जी उस तरह की थोड़ी बहुत जी ने बनानी पैनी है। और बेगम साहबा जी ने जग वगैरह धो रही है, इन्हों मैं क्या जग जो धो के रख, क्योंकि मैं चलिया जी शहर अंब वगैरह लैम जूस वगैरह बनाने, अच्छा मैं चलिया अपने वास्ते जी मेरी दिल है कि मैं कोई लैम उनकी सदे ने जहन च निकलता सालन सुलन होर ना लैम कपिया अगे का पिया की शायद पिया दाल ही होनी है। हाँ, नहीं नहीं दाल नहीं मैं खाँदा कद, मैं जो कोई सब्जी सुब्जी लैवा कोई अगर मैंने मिलेगी भिंडी या कोलू शालू ही होगी होटल तो ठीक है। ठीक है ना, 2-3 दिन हो गए ने दाल ही चल रही साढ़े लिए, परसों लंगर पकाया सी कल के मेरे ख्याल परसों लंगर पकाया से उदो ही दाल, उस तो पहले एक दिन दाल कल भी दाल अज फिर दाल, 2-3 दिन हो गए ना दाल ही चल रही है, मैं सोच रहा अभी कोई सब्जी सुब्जी लै आना होटल तो, यह गलत पकई इन्होंने कोई नहीं सब्जी वगैरह जी सब्जी अज लैके रखा सुबह ना पकावे बाप साहब जरा ना मान चमड़े फिर और बच्चे जे को लैना बना के जरा ना बैठे हुए देख मसरू वेख जिमें खाना ही और इधर जरा कार्टून वगैरह ला के दिते हुए घर पहुंच चुके हैं वापस में, समान वगैरह जी आ गया और अंब भी दैनते हैं सारे को बच्चों वास्ते भी और अपने वास्ते भी, इन जल्दी जल्दी ठंडिया कर और अंबा ना और लस्सी ना जी मैं रोटी खावा सही है ना। हाँ बच्चे जो ना हाले तक देखो ना बैठे हुए उ टीवी चलावन असल कल इस करके नहीं ज्यादातर चला रहे थे क्योंकि इनका असल तसली कोई नहीं है जगह बनी हुई जी वायरिंग वूरिंग कोई नहीं हुई उधर लीड लानी पैंती तो लीड जिस टाइम फिर पंखा वगैरह चलाना हो फिर ला रहे हमने फिर रस्ते में जी लीड इधर आई हुई है इनका उस बला पिछु कनैक्शन करके उ बोर्ड लगाने आप बाकी हाले तक कनेक्शन ही हम वाईफाई लवाना पाने चलाने वास्ते यूट्यूब हाले तक एक मोबाइल मैंने इतने घर में रख के जाना पैंदा है वाईफाई वास्ते इधरों की कनेक्शन उधर चलता पाया उधर जो कार्टून वगैरह चलते पैने अज ना इस कंप्यूटर बेचारे की जी जरूरत पै गई है मैनू काफ़ी गट्टा मिट्टी इन पिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा चलो बच्चे तो उधर देख रहे हैं लेकिन जरूरत इस करके पै गई है कुछ कम है जरूरी अब जो कंप्यूटर से ही हो सकता है जो मोबाइल तो नहीं हो सकता और आमना ही जो मगरे मगरे आई कल जग वे कार्टून इतने ना और जी स्पीकर अज जो रेडी करने उम्मीद है सारे बैंड भाइयों जी कल व्लॉग देख के काफ़ी कुछ जो समझ लग गया होगा
अगर किसी ने नई वीडियो देखी हैगी सी ते कल वाली जिहड़ी मैं व्लॉग अपलोड किया ना पुराना वो तुसीं देख सकते हो। काफ़ी सारिया उन्दे विच मैं गल्लां कीतियां सी, काफ़ी सारिया मेरे बारे काफ़ी सारे भैन भाइयों कोई डाउट हैगा सी या कोई परेशानी है, सौ चीज़ होंदी आ उन्होंने पता लग गया होगा। हाँ, मेरा मकसद सिर्फ इो दसना है, काफ़ी सारे भैन भाई कह रहे थे इग्नोर मैं जरूर करता सी, असल ते ना जिस तरह एक्सपोज नहीं करते, काफ़ी सारिया मेरे खिलाफ यूट्यूब ते ना वीडियो बन गई सी, मेरे खिलाफ लोगों ने वीडियो बनाइया कि इस तरह के इंसान इस तरह के मेरे खिलाफ यूट्यूब ते वीडियो बनिया, कमेंट भी होंगे ना खाली कमेंट करते लोग, तो फिर जहाँ मैंने कमेंटा ना कोई असर नहीं पैंता सी, कमेंटा का मैंने कोई मसला नहीं हैगा सी मेरा को थोड़ा बहुत, लेकिन लोग मैनू यूट्यूब ते एक तीसरा बंदा जिहड़ा मेरा लगता लिंदा ही कुछ नहीं, कोई लाहौर किसी का लाहौर चैनल है, किसी का कराची चैनल है, किसी का यूके में चैनल हैगा, मैनू मसलन ना एक्सपोज किया जा रहा सी चैनल पर बह के आपो आप, तो मैं चाह नहीं रहा कि मैं कोई अपनी सफाई देव या मैंने कोई सफाई की लोड़ नहीं हैगी सी, लेकिन मैं सफाई इस करके दी आ क्योंकि जेडे मेरे खिलाफ वीडियो वगैरह बना रहे थे काफ़ी सारे एक्सपोज कर रहे थे मैनू कि इस तरह का फलाना इस तरह का ये इस तरह का है, तो करके मैंने जी है ना सच्चाई तसली ना जी है ना दिखानी पई है। उम्मीद है काफ़ी सारे भैन भाइयों मेरे बारे अच्छी तरह समझ आ गई होगी और एंदा तू मैं कोशिश करांगा कि मैं मैनू कोई ना छेड़े, मैं नहीं किसी छेड़ता या मैं किसी कोई गल नहीं करता, मेरा व्लॉग देखते हो गए, मैं पहल कदे भी नहीं की, कदे भी कोई मैनू को गल करे तो मैं करता हूं ना, नहीं तो मैं कदे किसी ने कोई गलत नहीं कहता, अच्छा नहीं कहता, बुरा नहीं कहता, कि जी गल है इंशाल्लाह कल करांगे, आई दो इजाजत, खुदा हाफे सलन के मन, क्योंकि व्लॉग जाना काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाना, इस साइड तू करना नहीं इस कैमरे के बैक साइड खड़ो कि इंज नहीं की जा सी उस पासों नहीं होना।